अगर ऐसी कोई दूसरी शिफ्ट रही ना तो भाई कह रहे हैं भाई सब हटवा दूंगा शिफ्ट में से, सब मतलब बिल्कुल सिंपल सिंपल कर देंगे, है ना। और भाई ये क्या सिस्टम है अपना? ये भैया ऐसे हो रहा, मतलब कान में से खून निकलने के लिए हो रहा है, इतना बेस तो भाई बहुत ही ज्यादा लाउड है। सात कुछ की ली थी और भाई ने मतलब 8 लाख लगा रखे हैं इस पे। ये देखो मेन चीज भाई, इतने में दूसरी शिफ्ट आती है भाई। डीएसपी भी इक्वलाइजर है, आप देख सकते हो स्पीकर का अपना भाई 5 चैनल एम्प है। मैं भी खुद पहली बार देख रहा हूँ भाई 5 चैनल, तो 1,10,000 का तो भाई एम्प लगा हुआ है गाड़ी में। सब बढ़िया हो गया और मस्त हो गया यार। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है और बहुत ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है आज की वीडियो में। जैसे भाई आप देख रहे हो स्विफ्ट, ये भाई नाडो ग्रे में अपनी रैप है, तो सारी चीज हम बताने वाले भाई अपनी ओनली वन इन इंडिया भाई। जैसे कि आप रैप देख रहे हो और सिस्टम बहुत ही ज्यादा तगड़ा और बहुत ही ज्यादा लाउड है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा मैं लुक दिखा दूं, ये देख रहे हो भाई स्पॉइलर सब चीज लगी हुई है अपनी, अलॉय देख सकते हो, सिस्टम बहुत ही ज्यादा कैड रहने वाला है। भाई का इंस्टाग्राम नीचे मिल जाएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम स्क्रीन पर आ ही रहा होगा। तो चलिए गाइस बिना किसी देर के स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। गाइस आज की वीडियो हमारे साथ है रोहन भाई, तो भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताओ। भाई बिल्कुल बढ़िया भाई, ये अपनी कार बहुत ही ज्यादा यूनिक है ना, एक तो भाई बाहर से भी और अंदर से भी भाई सारी चीज ओके रिपोर्ट है। सिस्टम भाई सबसे ऐसी कोई होगी शिफ्ट आपको लग रहा है? नहीं होगी तो ये हटवा दूंगा पूरी सब हटवा दूंगा गाड़ी में से। और बताओ भाई, मतलब अगर ऐसी कोई दूसरी शिफ्ट रही ना तो भाई कह रहे हैं भाई सब हटवा दूंगा शिफ्ट में से, सब मतलब बिल्कुल सिंपल सिंपल कर देंगे, है ना। तो भाई अपनी नाडो ग्रे में अपनी रैप है ना सबसे पहले, तो भाई इसका ओरिजिनल कलर कौन सा है? व्हाइट इसका भाई ओरिजिनल कलर है। तो जैसे कि हम बेसिक सी बात करते हैं तो भाई अब ये बताओ अपनी कार का मॉडल कौन सा है इसका? LXi है 2021 मॉडल है। और भाई आप देख ही रहे हो रैप जैसे भाई ने बताया ओरिजिनल कलर व्हाइट है। तो फ्रंट की लुक से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं, जैसे कि भाई ये देख सकते हो फ्रंट की लुक कुछ इस तरीके से आ रही है। और जैसे कि भाई अपनी इसमें टॉप मॉडल वाली अपनी लाइट डली हुई है ना, पूरी टॉप पर कलर की आगे से पीछे तक। अच्छा आगे से पीछे तक पूरी टॉप मॉडल है। और भाई बहुत सारी चीज चेंज है, जैसे आप ग्रिल देख रहे हो अपनी ब्लैक वाली, तो भाई ये बताओ अपनी लाइट की क्या कॉस्टिंग पड़ गई थी? हेडलाइट की? हाँ जी भाई, लगभग 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए की अपनी हेडलाइट पड़ गई थी। और भाई इसकी ग्रिल की बात करूँ तो भाई 3,000 रुपए 3,000 रुपए की अपनी ग्रिल थी। और भाई नीचे अपना इसमें क्या है फॉग में? रियलिटी बताई जाएगी, ये नहीं कि भाई बड़ा चढ़ा के बताओ सारी चीज। तो भाई कितनी क्या कॉस्टिंग पड़ गई थी इसकी? 700 रुपए की बस। तो भाई 700 रुपए की है बस ओनली लुक के लिए। और जैसे कि भाई अपनी ये PCR वाली बार लाइट लगी हुई है ना, एक बार भाई जला के दिखाना इसको, और एक बार फॉग लैंप भी जलाना भाई। तो भाई ये देख सकते हो अपने भाई डबल है, मतलब इधर रेड और दो इधर रेड है और दो उधर ब्लू है। ये देखो भाई ये इसका रिस्पांस कुछ है ही नहीं, इससे सही तो ये जल रही है। और अपनी PCR वाली लाइट्स ये देख सकते हो भाई, भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी लगे भाई, ऑफ़ कर दो। तो ये देख सकते हो, तो भाई कितने की पड़ी थी आपको ये बार लाइट? 1900 रुपये की भाई अपनी बार लाइट पड़ी थी। और भाई ये स्प्लिटर्स की बात करूँ तो भाई इसकी क्या कॉस्टिंग वगैरह थी? 4,000 रुपये। और ये अपनी यूनिवर्सल वाली है ना भाई? तो भाई इसमें ना एक बहुत ही बड़ी दिक्कत, जैसे मैंने बहुत वीडियो में कवर करी कि भाई ये लूज हो जाते हैं, नक्के ढील हो जाते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है नहीं। तो भाई ये देख लो, क्या भाई पता चलाने वाले की बात हो या और क्वालिटी पे भी हो सकता है ना भाई, ABS क्वालिटी है। तो भाई कैसा, मतलब कि कहीं ऐसा लगता है कि भाई टच हो रही हो या कैसे? आज तक टूटी है? नहीं आज तक टूटी। अच्छा तो भाई ये देख सकते हो लुक बहुत ही ज्यादा तगड़ी आ रही है। और जैसे कि अब आते भाई मेन चीज अपने रैप पे, तो भाई रैप का कहाँ से ख्याल आया आपको कि भाई नाडो ग्रे कलाना चाहिए?
एक्चुअली पीतमपुर में मेरी शॉप खुल रही है, तो मैंने सोचा रैपिंग भी करूँ। अब बंदा ढूंढने के लिए मैंने कहा सबसे पहले डेमो तो अपनी कराऊँ, बंदों को अच्छे काम मिले आगे जाकर। बिल्कुल बिल्कुल, कल को किसी काम में वो ना आए, तो इस चक्कर में सबसे पहला गाड़ी अपनी बनवाई है मैंने। सबसे पहले भाई ने अपनी, लो अगर कोई आएगा देखो भाई ऐसी रैप हुई है। हाँ तो भाई ये देख सकते हो बढ़िया लग रहा है वैसे कलर, जैसे भाई अपनी रेड भी बहुत है ना, दिल्ली में रेड भी है अपनी, और जैसे बताऊं तो भाई और भी अपने कलर हैं। तो भाई ने अपना नाडो ग्रे चूज करा है ना भाई, यूनिक ही करना है मैंने नाडो ग्रे। यूनिक तो इसके ऑप्शन में और कोई भी आया था क्या भाई? यही था बस, नाडो ग्रे भी था इसमें, तीन चार कलर मैंने ऑप्शन में लिए थे, पर नाडो ग्रे ही अच्छा लग रहा था। अच्छा ये अच्छा लग रहा, दो तीन पार्ट पेंट कराए थे, वो कराए थे, रैप कराया था। अच्छा अच्छा, पर मेरे को ये अच्छा लग रहा था। तो भाई जैसे कि रैप में भाई क्वालिटी आती है, अब जैसे कि बहुत से रैप होते हैं कि अगर उसको उतारते हैं तो भाई पेंट भी उतर जाता है अपना। इसकी पूरी वारंटी है, हर चीज की वारंटी होगी। अच्छा इसकी पूरी हर चीज की वारंटी है। तो भाई ये देख सकते हो। तो भाई क्या कॉस्टिंग वगैरह पड़ गई थी इसकी? कॉस्टिंग तो मान के चलो भैया ये 30-35 हज़ार रुपए की, 30-35 हज़ार रुपए करा था मैंने तो, 30-35 हज़ार। वैसे बाहर मेरी 60-65 की होगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अच्छी क्वालिटी वाली। तो ये भी अच्छी है ना भाई? तो अपनी रूफ है भाई अपनी ब्लैक है ना, ये इतनी भाई अपना ड्यूअल टोन का एक थोड़ा इफेक्ट दिया हुआ है, ऊपर ब्लैक और नीचे अपना नाडो ग्रे। बिल्कुल जैसे कि भाई ये कॉम्बिनेशन है अपना ब्लैक ब्लैक और फिर ये अपने, और फिर अलॉय व्हील भी मैच हो रहे हैं अपने ब्लैक के साथ है ना। तो भाई ये पूरा कॉम्बिनेशन है, और जैसे कि भाई ये लगी हुई ना, इससे भी अपनी मतलब कि अलॉय व्हील से थोड़ा टच अप है। तो ये देख सकते हो साइड लुक कुछ इस तरीके की आ रही है भाई, बहुत ही अल्टीमेट। और पीछे की तरफ आते हैं तो भाई यहाँ पर मिल जाता है अपना भाई स्पॉइलर। तो भाई ये देख सकते हो। तो भाई इसकी क्या कॉस्टिंग वगैरह थी अपने स्पॉइलर की? स्पॉइलर की मान के चलो भैया 4500 था, ऊपर मैंने पेंट कराया था 1200 का। 1200 रुपए का पेंट हुआ इसके ऊपर। तो भाई अपना ये नट बोल्ट से जैसे आप देख सकते हो कसा हुआ है ना। तो भाई इसमें कोई ऐसा है कि लूज होने का कुछ सिस्टम? कोई लूज होने का सिस्टम? अच्छा कोई लूज होने, परफेक्ट फिटिंग आई। अच्छा अच्छा भाई, पीछे से ये देख सकते हो भाई ने अपनी सारी बैजिंग हटाई हुई है। तो भाई गाड़ी में आपने वैसे मोटा खर्च कर रखा है, तो भाई यहाँ पर कैसे टेल लाइट्स में कैसे कमी है भाई? टेल लाइट मेरी बनने गई हुई है अभी। अच्छा बनने गई हुई है, टाइम लग रहा है, टेल लाइट बाहर से आ रही है मेरी बनके। अच्छा अच्छा, तो भाई मतलब ऑन ऑर्डर है ना? ऑन ऑर्डर है, सबने तो लगवाई रखी है। जब वन इन इंडिया कर रहे हैं तो फिर डंकी करेंगे। बिल्कुल मतलब कुछ यूनिक है वो भी है। तो जब आ जाएगी वो भी दिखा देंगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई पीछे से लुक कुछ इस तरीके, आप सोच रहे भाई इतना कम? तो भाई ये देखो फिर नीचे भाई अपने, भाई दो एग्जॉस्ट लगे हुए हैं या बस एक वो है डमी? अच्छा एक अपना एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ओनली बस अपने टिप डमी लगा हुआ है। तो ये देख सकते हो भाई, और सिस्टम बहुत ही ज्यादा कह रहे इसमें वेल्वेट्रॉनिक है अपना ना भाई? नॉर्मल है भाई, मैं तो सोच रहा वेल्वेट्रॉनिक के जैसे आप लड़ते हैं। एक बार स्टार्ट करना भाई कार। तो भाई मैं आपको ना साउंड सुनाता हूँ, देखो इसके एग्जॉस्ट की, ये वेल्वेट्रॉनिक नहीं है, सीधा स्ट्रेट पाइप है भाई, कोई आवाज सीधा, कोई ऐसे नहीं 50-50, कुछ भी नहीं, पूरा खुला। तो भाई ये देखो, लाउड है ना, मैं तो ये सोच रहा था कि भाई ने ना वेल्वेट्रॉनिक लगवाया हुआ है। तो बिल्कुल भाई एक बार ऑफ कर दो। तो वेल्वेट्रॉनिक जैसे भाई ने बताया कि अपना स्ट्रेट पाइप लगाया हुआ है। तो भाई क्या कॉस्टिंग वगैरह आ गई थी इसकी? इसकी लगभग भैया 12-1 हज़ार रुपए की आई थी। 12-1 हज़ार रुपए, तो मतलब भाई कुछ लगा कि एवरेज पे? टिप अलग थी मेरी। अच्छा टिप अलग थी, टिप की क्या कॉस्टिंग थी? टिप की 4000 रुपए। टिप की 4000 रुपए कॉस्टिंग थी, एक की दोनों की? दोनों की, मतलब 2000 रुपए की अपनी टिप थी। तो भाई बहुत बंदे कहते हैं कि भाई ये सस्ती आती है, ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सस्ती नहीं, सस्ती आ जाती है पर वो हाई क्वालिटी नहीं होती, होती है। मतलब भाई ये ना ये देख सकते हो शेप उसकी भाई ऐसी रहती है, पर वो क्वालिटी में फर्क आता है, उसका स्टील ही जल जाएगा, आप जब गाड़ी स्टार्ट करोगे उसका स्टील ही जलने लग जाएगा। बिल्कुल, और हाँ वो आप जैसे मॉनसून वाला अपना सीजन चलता है भाई, वो पानी भीग भीग के अपना जंग वंग लगना और काला हो जाएगा ना। तो भाई ये पीछे से ऐसा दिखाया मैंने आपको, तो भाई ने अपनी कॉस्टिंग बता दी। भाई एवरेज पे कुछ फर्क पड़ा इससे या नहीं पड़ा? अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं मेरे को एवरेज में, इक्का दुक्का फर्क होगा, क्योंकि भाई पब्लिक के ना यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं कि भाई एग्जॉस्ट लगवाने के बाद कि भाई अपनी एवरेज नहीं देती कार, इंजन में इफेक्ट पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं होगा, एक दो का फर्क पड़ा ज्यादा ज्यादा। बिल्कुल, और भाई जैसे कि पिकअप में तो फर्क पड़ा होगा थोड़ा बहुत या नहीं? बड़ा ही नहीं पिकअप, हाँ बड़ी है पिकअप। अच्छा बड़ा ही नहीं है? हाँ घटी नहीं है, बोलते वैसे घट जाती है। नहीं 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 बढ़ता ही है भाई, नहीं जैसे मैंने हैवी काम करा रखा है तो इंजन में लोड आके घट जाती है, पर इसके और बढ़ गई है। बढ़ गया मतलब पिकअप वगैरह सारी चीज। तो भाई आपको आगे पीछे दिखा दिया, अब आ गई है भाई साइड की बारी, तो आपको अलॉय व्हील्स दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो, ये अपने भाई इस तरीके के अपने अलॉय व्हील्स है, और टायर की बात करो तो भाई प्रोफाइल की 215/45R17। तो भाई 17 इंचेस के भाई अपने अलॉय व्हील्स हैं। तो भाई ये वाला डिजाइन कैसे चूज करा? मतलब कि जैसा आप देख रहे होगे भाई हाईट में भाई अपने 20-20 इंचेस 22-22 इंची लगा रहे भाई बंदे शिफ्ट में है ना। तो मतलब भाई मेरे को पसंद तो 5 spoke ही था, पर अब बड़ा भाई बोलता कि यही लगवाने हैं, मल्टी स्टार्टिंग से बनता मल्टी स्पोक्स का। अच्छा अच्छा, तो अभी मैंने लगवाया और गाड़ी की जेन्युइन इसमें लुक आई है, 5 spokes में आती नहीं। क्योंकि भाई इसका ना थोड़ा लुक देख रहे हो आप, थोड़ा स्पोर्टी और कुछ अलग ही कैडा लुक है।
तो उसके साथ मैच कर रहे हैं ये। तो भाई इसकी क्या कॉस्ट्यूम वगैरह थी अपनी? इसके भैया 70,000 रुपये लगे। 70,000 रुपये टायर भाई चाइनीज है कौन सा? और अलॉय भी अपना बिल्कुल। तो भाई ये देख सकते हो चलाने में भाई कैसा रिस्पॉन्स है इन टायरों पे? चलाने में ओके रिपोर्ट है, बाकी 70-80 से ऊपर चलाते नहीं इसको। तो डर तो लगता ही है भाई, वो तो है खैर। और भाई संभाल के चलानी पड़ती है क्योंकि भाई हमने भगाने के लिए थोड़ी ना लिया है, शौक के लिए लिया, आराम से चलाओ कोई दिक्कत ना हो। तो भाई ये देख सकते हो। तो भाई इसकी एवरेज पे क्या मतलब एवरेज क्या दे रही है अब कार करंट में? सच बताओ देखी नहीं आज तक, देखी नहीं आज तक। तो एवरेज सामने लिखी आती है वो तो देखी नहीं, कभी ध्यान नहीं दी। अच्छा अच्छा, बाकी एक दो पॉइंट गिरे होंगे, ज्यादा ज्यादा और क्या गिरेगा? मतलब 12-13 की होगी? 12-13 तो नहीं, हाँ 12-13 की मान लो, अब देखी नहीं स्टार्टिंग से तो पता ही नहीं कितनी होगी। और वैसे मीटर में क्या शो करता है? वैसे मीटर में 15 शो करता है। तो भाई यही अपनी 12-10 के आसपास की अपनी एवरेज दे रही है। तो भाई अब ये देख सकते हो बाहर से ओवरऑल हमने भाई अपनी कंप्लीट कर दिया ना कार, बिल्कुल है ना। अब इंटीरियर की बारी है। सबसे पहले भाई एक बार बूट ओपन करो, पहले आपको भाई बहुत ही तगड़ी चीज दिखाने वाला हूँ। तो भाई ये देखो, आपने बूफर बहुत देखे होंगे पर ऐसे नहीं देखे होंगे भाई, अपने रॉक फोर्ड गया ना भाई, T2। तो भाई ये देख सकते हो और अपने ड्यूअल लगे हुए हैं ना भाई दो, हाँ। तो भाई गाड़ी तो जैसे इसकी स्विफ्ट की भाई बॉडी हल्की आती है तो भाई झेल जाते हैं इसको, बॉडी भारी करा रखी है ना ये, डैम्पिंग करा के पूरी गाड़ी। अरे भाई ये देखो भाई कितनी लेयर अपनी मतलब कि एक डोर पे कितनी लेयर डैम्प है? डोर में 3-3 है, बाकी छत पे सब हर चीज में हो रही है, फ्लोर भी पूरी सब चीजें करा रखी। अरे वाह ये देखो बहुत ही हैवी सेटअप है भाई, है ना। तो ये देख सकते हो अपने दो बूफर ये हो गए। तो भाई इनकी क्या कॉस्टिंग थी अपने बूफर वगैरह की? ये बूफर मैंने उस टाइम पे लिए थे 81,000 रुपए के। 81,000 का एक था या कैसे? दोनों 80,000 रुपए के। और ये पेटी मैंने 25,000 की अलग से बनवाई थी। 25,000 की, तो मतलब इसका ओवरऑल भाई लाख प्लस बैठ रहा है ना, पेटी बस ओनली पेटी और बूफर का लाख प्लस है। तो ये देख सकते हो बहुत ही लाउड है ना, वो लाउड कह रहा हूँ और लो भी रहने वाला है। लो अगर मैं बताऊँ तो आपको भाई लो का मतलब ये होता है बेस ज्यादा होता है अपने लो में, है ना, लो बेस मारता है बिल्कुल भर के बेस मारते जिसे कहते हैं पंच। तो भाई ये देखो डिग्गी वगैरह अपनी सारी ये डैम्प कराई हुई है। तो आपको एम्प वगैरह दिखाता हूँ मैं। तो भाई ये देखो अपनी एम्प की प्लेसमेंट भाई इस तरफ है और भाई ने अपनी देखो एक्स्ट्रा बैटरी भी लगाई हुई है, ये देख सकते हो। तो भाई जैसे कि इसमें पहले से ही लगवाई थी या बीच में जब सिस्टम लगवा लेते उसके बाद लगवाई थी बैटरी साथ में लगवाई थी? अच्छा लोड ही नहीं पाता। बहुत ही एम्पलीफायर मोनो एम बहुत हैवी है। तो भाई ये देख सकते हो अपना रॉक फोर्ड का भाई अपना मोनो है ना 2500। ये देखो भाई, तो भाई बहुत ही हैवी है। तो भाई इसकी क्या कॉस्टिंग थी अपनी? 1,10,000 का। तो भाई एम्प लगा हुआ है गाड़ी में, ये देख सकते हो 1,10,000 का एम्प। और भाई ये अपना 4 चैनल है ना, 25,000 का 5 चैनल है भाई ये। तो भाई ये अपना 5 चैनल है, देखो 5 चैनल कुछ इस तरीके से होता है, ये देख लो कीकर का अपना भाई 5 चैनल एम्प है। मैं भी खुद पहली बार देख रहा हूँ भाई 5 चैनल। तो ये देखो इस तरीके कुछ सेटअप। भाई डोर की बात करें तो डोरों में अपने क्या है ये? डोर में मैंने डीडी के लगवा रखे और डीडी के बुलेट ट्यूटर लगवा रखे। अच्छा डीडी की मिड है? डीडी की मिड है और डीडी के बुलेट ट्यूटर है। तो भाई मिड की क्या प्राइसिंग है? मिड की भैया मान के चलो 25,000 रुपए लगे थे मेरे एक पेयर के 25 यानी कि 50,000 के। तो भाई अपनी मिड लगी हुई है कार में, है ना। और भाई बोल्ट 40,000 के 4 यानी 10,000 का एक। अरे भाई ये देखो मतलब बहुत ही कैड़ा सेटअप है। अब आगे की तरफ आते हैं, अब आगे की तरफ आपको दिखाते हैं भाई आगे क्या करवाया हुआ है भाई ने। तो ये देखो भाई इंटीरियर कुछ इस तरीके से है। और भाई ये देखो अपनी गियर नो बहुत ही तगड़ी लगती है भाई, ये अपने इग्निस वाले भाई ने भी कराई हुई थी जो इग्निस वाले थे। तो और पिलर की बात करें तो भाई ये देख सकते हो अपने ये भी भाई डीडी की है। तो ये भी अपने डीडी का है बोल्ट ट्यूटर। तो जैसे कि पीछे वाले गेट पे अपने डोर में फिट था तो इधर भाई ने इधर कराया हुआ। मैंने पिलर बनवाना था तो लुक के लिए लुक एनहांस हो गया। बिल्कुल भाई ये देखो बहुत ही तगड़ा लग रहा है, ये अपना डीडी का है जैसे भाई ने बताया। तो भाई इधर कंपोनेंट है क्या अपना? इधर कंपोनेंट है, ये मेरे पुराने इन्फिनिटी लगे हुए थे। अच्छा ये इन्फिनिटी है तो ये पुराने लगा छोड़ दिया मैंने क्योंकि बॉडी कटी हुई थी ना तो गंदे लगते हटवाया था। तो बिल्कुल वो तो है अपना, इधर इन्फिनिटी के लगे हुए हैं। और स्टीरियो की बात करें तो भाई अपना ये कौन सा वाला है? 599BT पायनियर। बिल्कुल। और भाई डीएसपी वीएसपी की बात करें तो डीएसपी अपना ये लगा हुआ भैया 700 नंबर। ये देखो भाई विद इक्वलाइजर है ना, इक्वलाइजर ये देख सकते हो भाई डीएसपी विद इक्वलाइजर है, आप देख सकते हो। ये भाई सेट कर लेते हो इसको? सब सेट कर। अरे वाह मतलब भाई पूरे खिलाड़ी है, दुकान खोलने तो सब सीखना पड़ा। बिल्कुल। और भाई ये क्या सिस्टम है अपना? ये भैया थोड़ा लुक एनहांस करने के लिए करते रहते हैं, चीजें रखते रहते हैं गाड़ी में। मतलब ये भी भाई फुल गल चीज रखी है भाई ने, है ना। तो भाई ये देखो आपको पूरा इंटीरियर वगैरह सब चीज दिखा दिया है। तो भाई डीएसपी वगैरह की अपनी क्या कॉस्टिंग थी अपनी? डीएसपी की मान के चलो भैया 60,000 रुपए का मिला था मेरे को। 60,000 का अपने डीएसपी विद इक्वलाइजर। भाई कैसे इक्वलाइजर अलग आया था? मुझे कितने का था? 18,000 रुपए। 18,000 का इक्वलाइजर था। और भाई डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले भैया मैंने 25,000 रुपए की ली थी, ये पूरी फ्लैप होती है। अच्छा ये देखो भाई, अरे वाह बहुत ही कैडा सेटअप है ना। तो और ऐसी अपना सीडी के लिए है ना। तो ये गए अंदर और ये आ गई फिर पोजीशन में अपना बस।
तो भाई जैसे की बात करूँ तो अपने बेस कार है तो भाई अपना स्पीडोमीटर भी वगैरह सब चीज चेंज है ना। स्पीडोमीटर, डोर के गत्ते, हेडलाइट, हाँ इसमें ब्लैक वाले आते हैं ये भाई देखो, देख ये देख रहे हो सिल्वर वाली अपनी ये चीज आ रही है, तो कुछ चेंज कराया था मैंने सब चीज, मतलब पूरी गाड़ी बदलवा दी है, कंट्रोल भी चेंज कराया था सब कुछ ये देखो। तो भाई इसकी पिलर में जैसे ये अपना रैप है वो है सॉरी लेदर है ना, तो भाई इसकी क्या कॉस्टिंग थी अपने? ये मेरे 11,000 के बने थे, 11,000 रुपए के अपने ये बने थे। तो ये देख सकते हो भाई बहुत ही गहरा लुक आ रहा है और बहुत ही अल्टीमेट। तो भाई अब आप वेट कर रहे होगे भाई आउटपुट सुनाओ, तो आउटपुट भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ी आने वाली, तो ईयरफोन्स जरूर लगा लेना क्योंकि भाई अभी पहले आपको सुनाएंगे भाई लो में कैसी आवाज आती है अपनी, और फिर उसके बाद सुनाने वाले जैसे हम अपने पंजाबी वाले सॉन्ग चलाते हैं, तो पहले आप लो का सुनिए कैसा मजा आने वाला है। एक बार सॉन्ग प्ले कर दो अपना लो वाला। ज्यादा कैड़ा सिस्टम है इसका, तो भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भाई दिल्ली में तो इतना किसी के लाउड है नहीं, हो सकता है पर स्विफ्ट में ऐसा लाउड नहीं सुना मैंने कभी। भाई स्विफ्ट में मैंने भी नहीं सुना, बड़ी में तो भाई बहुत सुना है, में तो बहुत सुना। बिल्कुल भाई, तो इसमें भाई अगर होगा भी ना भाई तो ऐसा नहीं होगा कि भाई रॉक फोड़ गई हो या अलग होगा है ना भाई, जो भी होगा बिल्कुल सेम तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो भाई आपको अब लो की सुनाइए, अब भाई अपने वाला सॉन्ग प्ले करने वाले हैं अब हम। बहुत ही ज्यादा लाउड मतलब मैं ना कान में भी दर्द हो रहा है इतनी देर, और भाई ये पीछे जो उसमें एम में लाइट चलती है बहुत ही ज्यादा तगड़ी, अगर जब सिस्टम चलता है ना चलता तो ये रिफ्लेक्ट करती है, बिल्कुल दिखा दूं भाई कैसे रिफ्लेक्ट करती है ये देखो। डैशबोर्ड हो गया और मतलब डिग्गी विग्गी मतलब ए टू जेड सारा सिस्टम मिल रहा है, बाल भी ऐसे ऐसे हिल रहे हैं ना भाई, सारे शीशे हाँ सारे शीशे, और भाई ने ना डैम कराए हुए इसलिए भाई ऐसे लगता है कि स्विफ्ट पे कुछ ज्यादा ही मतलब आपने जुल्म करा हुआ है, तभी तो डैम करा रखी है छत से लेके एक एक चीज तक डैम पे इसकी। बिल्कुल भाई डैम्पिंग में क्या कॉस्टिंग वगैरह अपनी आ गई थी?
55,000 रुपए भाई ओनली डैम हुई है 55,000 में अपनी प्रॉपर पूरा फ्लोर रूफ मतलब एक एक पिलर अपने रैप है वो डैम पे अपने। तो भाई अब ये बताओ मोटा मोटा ऑडियो सेटअप कितने का अपना पहले तो ये बताओ भैया। मान के चलो 4-4.5 पेटी का ऑडियो सेटअप है। 4-4.5 पेटी मतलब कि अपने 4-4.5 लाख का अपना ऑडियो सेटअप है ओनली बस। और भाई अगर पूरी गाड़ी की कॉस्टिंग की बात करें तो भाई 70,000 के अपने अलॉय व्हील्स हो गए अपनी लाइट वगैरह। तो भाई ये तो अपने मान लो टोटल गाड़ी 8 लाख रुपए की बनी हुई है। 8 लाख रुपए और भाई ली कितने की थी ये मैंने भैया 8.5 की नहीं 7 कुछ की ली थी। 7 कुछ की ली थी और भाई ने मतलब 8 लाख लगा रखे इस पे। ये देखो मेन चीज भाई इतने में दूसरी शिफ्ट आती है भाई। तो भाई मतलब बहुत बंदे रहते हैं ऐसे कि ये कहेंगे कि भाई इतने में दूसरी गाड़ी आती या इतने का नहीं उतने का होता तो भाई शौक की बात होती है सारी अपनी है ना। अब लेने के लिए भाई दूसरी ले लेते हैं 8-8, 16-16 लाख रुपए की अपनी कोई सी भी दूसरी गाड़ी आती है क्रेटा वेरेटा। तो भाई के मन था भाई शिफ्ट को लेके बनाना तो भाई वो ये बस सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो भाई ने 8 लाख रुपए लगाए हुए हैं तो भाई आपको वर्थ लगा कि हाँ भाई 8 लाख और पैसे लगने हैं। मैंने इंटीरियर पूरा कराना है अभी तो इंटीरियर मैंने छिड़वाई नहीं। हाँ भाई ये देखो अपनी रूफ वगैरह बिल्कुल जितनी भी सब स्टॉक है तो अब जो मेन काम होगा अपने इंटीरियर पे होगा दुकान पे होगा वो और अपनी दुकान भी होगा मेन चीज है ना। तो भाई दिखा देंगे सारी चीज आपको आगे चलते रहना और जिसने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना। तो आपको ओवरऑल सारी चीज दिखा दी है। तो भाई कभी आपको ऐसा लगा कि भाई अपने 8 लाख रुपए लगाए वो गलत जगह लगा दी? नहीं नहीं मेरे लिए तो बर्थ है पूरा पूरा बर्थ सुबह से लेकर रात तक ये सुनता ही हूँ जब तक गाड़ी में घूमता हूँ। अच्छा तो मतलब भाई मेरे तो मतलब मेरी बस की नहीं है भाई इतना लाउड सुनना इतने मेरी बस की तो नहीं है भाई क्योंकि शौक है पर इतना भी नहीं है मेरे को कि भाई बहुत ही ज्यादा अपना नॉर्मल चल जाता है। तो आपको ए टू जेड आपको सारी चीज दिखा दी है अंदर से बाहर तक। तो भाई अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लियो तो यार लाइक शेयर जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।